छः महीने के बाद अपने घर वापस इंडिया जा रही हूँ, परिवार से मिलने सबसे काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मुझे तो अपना गांव सबसे अच्छा लगता है। मैं बहुत जगह घूमी लेकिन मुझे अपने गांव से अपने घर से अच्छा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हाँ सिंगापुर से अपने देश इंडिया में मैं आ गई। अभी बहुत भूख लगी हुई है। सबसे पहले तो घर जाके सबसे पहले खाना ही खाने वाली हूँ घर का। बस गाड़ी वाले भैया जल्दी से पहुँचा दो घर। अभी मैं घर पे आई हूँ तो ये नहीं कि मैं अपनी ट्रेनिंग मिस कर दूँ, क्योंकि अगर हम एक दिन भी ट्रेनिंग मिस करते हैं तो हम एक हफ्ते पीछे चले जाते हैं। अफकोर्स यहाँ पे पापा ट्रेनिंग करवाते हैं तो पापा भी रेस्ट नहीं देंगे यहाँ पर। मेरे तो बहुत ही याद आ हवे। एक बार बात भी हो ली से फोन पर, फिर भी कहेंगे मम्मी घर की रोटी खाने जी करो समा जाओ, बोल टाइम तो नहीं लग रहा है। ये मेरे माँ के हाथ की बनी हुई चटनी जो मैं सबसे ज्यादा मिस करती हूँ सिंगापुर में। और मक्खन घर का निकाला हुआ, ये लस्सी, इस चीज इस खाने के लिए तो मैं 6 महीने से तरस रही थी। बस बता नहीं सकती। पापा से मिलती हूँ तभी पापा पहले ये देखते हैं कि हाँ प्रैक्टिस कर रखी है कि नहीं, बिचास के देखते हैं वो चीज। पांच महीने बाद मेरी तो कुछ आई है और जो बाहर गई है तो कुछ हमारे लिए कुछ करके दिखाएगी। तो सारे परिवार को उसके ऊपर आसमित बंधी हुई है। ऋतु जो ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो ने MSS गेम में जो ने नवंबर में जो गोल्ड मेडल लेगी तो और ज़्यादा हमें खुशी होगी। और उस यही हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं भी हमारी बेटी जो ने वहाँ जो सिंगापुर रह करके कुछ करके दिखाए। सभी परिवार ने यही कहे भी वहाँ बेटे रहते हो तो कुछ करके दिखाओ। ये है हमारी गाय भैंस। देखी तू कौन खाना खाना ला रहे थे खाना तू खाना खाना ला रहे थे इसने के नाम है इसको मुनिया या कौन थी? अच्छा कौन थी? दूसरी थी। अच्छा दूसरी थी, तो बड़ी थी ना। अच्छा भैंस का फ्रेश दूध एक बार मेरे कान में। हाँ दिखा रही हूँ गांव के, मैं गांव से बढ़िया लाइफ नहीं है, चाहे कहीं कुछ किन से देश में चले जाओ। गांव से बढ़िया लाइफ नहीं है भाई, खेल। हाँ ये कह रहे हैं कि सिंगापुर इतनी अच्छी जगह है फिर भी गांव क्यों अच्छा लगता है, मैं चलो दिखा के लाऊंगी। रितु को छोटी ही थी इतनी, हाँ इसकी बड़ी वाली बहन है वो तो जानती है, वो भी जब साथ में जाती थी कुएं के ऊपर हमारे छोटी थी। मैं कुश्ती छोड़ के मिक्स मार्शल आर्ट ज्वाइन की, तो मैं मिक्स मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रही हूँ। लात गुस्सा अपने देसी भाषा में कहना लात गुस्सा। मीठा नहीं है अंकल जी? मीठा पानी नहीं है? अच्छा कहीं पापा देख तो नहीं रहे। ये मेरी बहन बबीता, मेरी आइडियल, जो मुझे हमेशा जिसको देखकर मैं हमेशा मोटिवेट होती हूँ।
रितु ने बहुत बड़ा डिसीजन ये उसने लिया था, एक तो मिक्स मार्शल आर्ट में जाने का, और दूसरा फिर अकेले वो जा रही थी पूरे घर से दूर होते हुए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में होता है कि छोटी है बहन और वो अकेले अपने आप सब कुछ कैसे हैंडल करेगी और कैसे सब कुछ मैनेज करेगी। बट उसका जो एक लक्ष्य जो था उसके ऊपर वो डेडिकेशन से जो मेहनत कर रही है तो उसके आगे सब कुछ फीका पड़ जाता है। ये तो कोई भी माँ बाप हो, जब 5 महीने हो गया जब भाई बैठ के बतलाए नहीं, प्यार से खाना साथ खाते थे, हमें खाया नहीं, तो अब आई है कल से, तो काफ़ी सारे परिवार को रिश्तेदारों काफ़ी उत्साह है, खुशी है, अलग से रिलैक्स भी महसूस हो रहा है कि वो थकावट वो सब कुछ जो वहाँ पे मिस करती थी वो एकदम से गायब हो गई। ये दिन मुझे पता है कि बहुत जल्दी जाने वाले हैं क्योंकि जब अपनों के साथ होते हैं तो टाइम का पता ही नहीं लगता। वहीं एक अगर मैं दोबारा सिंगापुर जाऊंगी तो एक पूरी एनर्जी के साथ वापस जाऊंगी सबसे मिलके। ये मेरा स्कूल पिंक पिंक क्यों रहे है क्या भाई? मेरे को खुशी हो रही है कि रितु भी रेसलिंग में है, वो अच्छी पोजीशन है उसकी, वो खेल रही है, हमारे गांव का नाम रोशन कर रही है।